कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। हरियाणा से कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल की माने तो कानून और नियमों में खामियां हैं, जिसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसे कोई परेशानी नहीं है। खास बात यह है कि राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाला भाजपा का विधायक है। दूसरा, पहले केस दायर करता है और फिर कोर्ट से स्टे ले लेता है और कुछ समय बाद फिर केस को रीओपन करवाता है। वह जज बिना सबूतों की जांच किए 2 साल की सजा सुना देता है। कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लग रहे हैं। आज स्पीकर या पार्लियामेंट का राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करना, ये इनकी कायरता है, इनका डर है, क्योंकि राहुल गांधी अडानी और बीजेपी के गोरख धंधों का खुलासा जो करने लगे हुए हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए राहुल गांधी को ये जो कानून का या जो अदालतों का जो मायाजाल बनाया है, ये सब बीजेपी का खेल है। और हमें बेहद अफसोस है कि देश के अंदर प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बीजेपी अमृतकाल का नाम ले रही है। बीजेपी खुद अमृत पी रही है, जहर विदेश जो विपक्ष के लोग हैं उनके पल्ले जहर के प्याले भेज रही है और लोगों को तंग करने का काम कर रही है। आज देश के अंदर बेरोजगारी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, धर्म की आड़ में जो देश का शोषण हो रहा है, आज दुनिया के अंदर हमारा रुपए की कीमत रोज नीचे की तरफ गिर रही है, हमारे इम्पोर्ट कम हो रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, आज देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये लोग हैं कि देश की तरफ चिंता ना करके अडानी के खातों में जो माल है वो बीजेपी के लोगों का है, उसको बचाने के लिए देश की आर्थिक हालात को इन्होंने गिरवी किया है।